हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन। आज हम देखेंगे कि कैसे हम 2017 यानी कि ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस यानी कि 2022 में कन्वर्ट कैसे होंगे फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बोथ। आई नो आपके एग्ज़ाम जून में हो गए होंगे जो कि ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट था, तो अब हम कंपलसरी कन्वर्जन करना ही करना है हमको। तो उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना है। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। तो आपको क्रोम पे जाके ICSI लॉगिन सर्च करना है। जैसे ही आप फर्स्ट साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ID पासवर्ड मांगेगा, तो आपको अपना ID यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, सबमिट करना है। देन यहाँ पर जो ऑप्शन वाला सेक्शन होता है यहाँ पर आपको सर्च करना है स्विच ओवर। देखिए यहाँ पे है स्विच ओवर, उसके नीचे अप्लाई फॉर स्विच ओवर है, तो वो अप्लाई फॉर स्विच ओवर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा स्विच ओवर के लिए, जैसे कि 2020 से आपको 22 में स्विच ओवर करना है। तो यहाँ पर आपको है रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर, जो रिक्वेस्ट बटन दिख रहा है आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको अगेन ऐसा कुछ अपना डिटेल्स आएगा, आपका कोर्स नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जिस्टिंग कौन सा सिलेबस है। तो यहाँ पर आपका एग्जिस्टिंग में 2017 दिखाएगा और 2017 में जितने भी सिलेबस में सब्जेक्ट थे वो सब दिखाएगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में था JIGL, कंपनी लॉ, SBEC, टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक, बिजनेस। तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट थे वो सब यहाँ पर शो होंगे। और आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर 2022 के न्यू सिलेबस भी दिखेंगे, उसमें आपको एक एक सब्जेक्ट पता चलेगा। आप दोनों के सिलेबस को कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो 2017 के सिलेबस थे उसमें ना 8 सब्जेक्ट थे और न्यू में थे 7। ठीक है, तो अब देखेंगे नीचे तो एक कुछ नोट्स लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम एक एक नोट्स मतलब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट हमें देना है। जैसे कि आपको याद होगा जब आपने मेन एग्ज़ाम दिया होगा उससे पहले आपका एक ODOP था और एक प्री एग्जामिनेशन देना था जो कि बहुत ही सिंपल था। तो यही चीज़ आपको 2022 जब आप न्यू सिलेबस में स्विच करेंगे तो आपको एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट हम देंगे उसके लिए कुछ ऑनलाइन फ़ी हमें पे करना पड़ेगा जो कि 1200 समथिंग कुछ है, अभी आगे जाके पता चल जाएगा आपको, तो वो फ़ी हम पे करेंगे। ये सेकेंड पॉइंट में लिखा है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, जो हमारी स्टडी मटेरियल रहेगा, बुक्स रहेगा न्यू सिलेबस के लिए, वो ICSI नहीं देगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें खुद से ख़रीदना पड़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है स्विच ओवर के बाद। तो ये थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि बुक वुक जो स्टडी मटेरियल न्यू सिलेबस का है वो सब हमारे ऊपर है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम एक बार जब स्विच ओवर कर लेंगे तो वापस से हम बैक नहीं हो सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम 2017 से 2022 में गए, फिर से हम 22 से 17 पे नहीं जा सकते हैं, ये फाइनल होगा, ये परमिशेबल नहीं है कि हम 2017 में वापस जाएं। तो फोर्थ पॉइंट यही था। तो ये जो चार पॉइंट्स है ये हमें पूरा एग्री करना पड़ेगा, तो ये आई एग्री पे हम बॉक्स पे टिक करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप आएगा कि आपका सिलेबस स्विच ओवर कंप्लीट हो चुका है, आपको ओके करना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर सारी डिटेल्स दिखी रहेगी, स्टेटस आपको दिखेगा अप्रूव हो गया, मतलब कि आप 2022 में कन्वर्ट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा होगा पे प्री एग्ज़ाम फीस आफ्टर स्विच ओवर टू 2022 सिलेबस। तो मैंने जैसे बताया था कि 2022 स्विच ओवर करने के बाद आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर फ़ी कितनी है, 1000 रुपीज़, आपको 1000 टोटल फ़ी पे करनी है। और साथ ही साथ आपको ऊपर सारे डिटेल्स चेक कर लेना है कि सब सही है कि नहीं है, फिर यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट डेट पे करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस मैं एक दूसरी वीडियो में बताऊँगी क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।